तो वहाँ ओमकारेश्वर की शुरुआत, और अभी एटलीस्ट हम तो हेलो हेलो, और क्या चल रहा है सबका। और अभी मैं हूँ नौलखा इंदौर, क्योंकि कल महाशिवरात्रि 21 फरवरी है और कल है ओमकारेश्वर निकलने की तैयारी। तो अभी बस का पता करने आया हूँ भैया कैसा क्या माहौल है, बस कितने बजे निकलेगी सुबह, क्योंकि सुबह निकलना पड़ेगा, रास्ता लंबा है, ठीक है, तो देरी लगेगी, उस हिसाब से बस का पता करके फिर चलते हैं कल। चलो ये भी बढ़िया था कि सुबह हर एक घंटे में ओमकारेश्वर के लिए अपने को बस मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो कल अपन मॉर्निंग में निकल जाएंगे ओमकारेश्वर के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग, और सुबह निकलना पड़ेगा क्योंकि कल भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छा रास्ता ओमकारेश्वर की ओर जाते हुए, और हमारे साइड हाय गाइस, हम नौलखा से बैठ गए थे, कितने बजे बैठ गए थे पर 9:45 समथिंग ना, उसने हमारा काट दिया, 9 बजे बैठे हो गए थे, 5 मिनट निकल, 5 मिनट में निकल रही, निकली नहीं बस, है ना, 9:45 मिनट हुए, 5 मिनट बोल के हम आधे घंटे खड़े रहे स्टैंड पे बस के कारण। अभी किस बज रही है, 10:55 हो रही है, इंग्लिश होती, कोई भी शब्द के आगे एस लगाने से ना इंग्लिश का शब्द बन जाता है, जैसे अथर्व्स फ्रेंड्स, इंग्लिश कमिंग, पैसा कमिंग। अच्छा बाकी कुछ भी हो, बस में बैठे रहने में अपने अलग ही मजे हैं। ये देखो मुंह फाड़ बड़े बहुत कर रहा, रिकॉर्ड हुआ जो तूने अभी किया ना, व्यूअर्स भाई इसी पे आएंगे भाई, बोल रहा हूँ 15 मिनट में तैयार होके आया, रात को 3 बजे घर आया वो। अरे बड़े बिजी हो ना, रेड लाइट एरिया गए थे ना, लाइट एरिया इसलिए बहुत थके थके लग रहे हो हमको। ये है ओमकारेश्वर के लिए पहला स्टॉप इंदौर से, और बस रुके, अच्छी खासी लोकेशन है हर जगह। ओए मोहित, तेरा से 10 रुपये नहीं छूट रहा है ना बेटा, शेर के साथ एक सेल्फी लेके आ रहे, उसके बाद मैं अंदर चलूं। शेर हमारे बब्बर शेर, वाह यार बहुत सही, ये जिंदा हो जाए तो काफी मजा आए। बस वाले ने सीधे वो पीछे जो मेन गेट दिख रहा है ना वहाँ उतार दिया। अब ये जो रोड है यहाँ से पूरा 1 किलोमीटर चल के आना हमको, चलते हैं। तो वहाँ ओमकारेश्वर की शुरुआत, और अभी एटलीस्ट हम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, और ये पीछे का कुछ सुंदर सुंदर सा व्यू, इस तरफ से भी आप देख लो, दोनों तरफ से ब्रिज, देन अब यहाँ से बेसिकली ये जाने का ब्रिज है, और इसके उधर जो दिख रहा है आपको वो, और उसके पीछे डैम है, मतलब एक जाने का ब्रिज, एक आने का ब्रिज, और एक और डैम है, तो मतलब तीन चीज़ तो अभी मुझे दिख रही है लोकेशन के हिसाब से, तीनों जगह जाएंगे, तीनों जगह घूमेंगे, ठीक है। और अभी बहुत तेज़ धूप दिख रही है, तो मतलब मज़ा भी आ रहा है घूमने में अलग ही तरीके से। पीछे जो आप लाइन देख रहे हो
ये पीछे जो आप लाइन देख रहे हो ना, इस लाइन में हमें एक से डेढ़ घंटा लग गया अभी दर्शन करने में, और ये भी ऊपर और लाइन है काफी ज्यादा। हाँ मतलब ये जो पीछे लाइन देख रहे हो ना, इसमें लगे लगे दर्शन करने के लिए एक से डेढ़ घंटा तो यहीं तक आने में लग गया, अभी और ऊपर है। आगे लगने की आशंका है, आगे लगने की आशंका। ओमकारेश्वर, और ये था ओमकारेश्वर का ब्लॉग। आज शिवरात्रि पे आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़, तो काफ़ी सही नज़ारा है यहाँ से। पीछे डैम है, तो डैम अभी हम देखते हैं अगर जा पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो ब्रिज से जो ये वाला ब्रिज दिख रहा है, इसी ब्रिज से वापस उतर के हम वापस घर निकल जाएंगे इंदौर। ठीक है, डैम देखते हैं, डैम अगर जाने की हो रही तो डैम चले जाएंगे। तो ये था पूरा ओमकारेश्वर, ये पूरा काफ़ी मज़ा आया, अच्छा था ब्लॉग। और बेटा बैग लेके नहीं आऊँगा मैं। तो यार ये जो पीछे है, जो ये जो ब्रिज है, बेसिकली बड़ा सही दिख रहा है, मूवी वूवी की शूटिंग के हिसाब से मज़ा आ रहा है। मतलब ओमकारेश्वर घूमने में भी शायद मेरे सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम ही मान लो मैं, अच्छे से तो फर्स्ट टाइम ही घूम रहा हूँ, बट बहुत अच्छी जगह है ओमकारेश्वर। पीछे का व्यू मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो राइट नाउ इट्स कुछ कुछ हो रहा है 3:36। हम आ गए थे बहुत पहले, पता नहीं कब आए थे, टाइम नहीं देखा। थोड़ी भाई सस्पेंस है अपने ब्रिज में, सस्पेंशन है, हिल रहा भाई साहब ब्रिज। हम बेसिकली स्प्रिंग्स लगे नीचे, तो बेसिकली हम उस वाले ब्रिज से आए थे, शायद आपको दिख रहा होगा, और इस वाले ब्रिज से जा रहे हैं, और इस ब्रिज के राइट में डैम है। डैम का नाम नहीं पता, डैम का नाम है ना ओमकारेश्वर डैम है, डैम है बापू का है एक सपना, स्वच्छ व सुंदर हो ओमकारेश्वर अपना। बाबू नहीं, बापू रे, बापू बापू यार ओमकारेश्वर। तो ये ब्रिज से बाहर आने का रास्ता, और ये ब्रिज हिल रहा है। सवारी वापस इंदौर के लिए ओमकारेश्वर से जाती हुई, पीछे बस खड़ी है बड़ी खूबसूरत तरीके से, और आज बड़ा मज़ा आ गया शिवरात्रि के दिन पे। ठीक है, बस ऐसे ही अपन घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, और अच्छी लगी हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टा पे फॉलो कर लो मेरे को। डिस्क्रिप्शन में अपन ने आईडी का लिंक नहीं, यूज़र नेम लिख दिया मैंने, तो उस पर फॉलो कर लेना। और ये कहीं हम ओमकारेश्वर से इंदौर के बीच में कहीं तो खड़े हैं, हम मैं इतने सारे बोर्ड देख रहा हूँ यहाँ पे आसपास, मेरे को बोर्ड पे कहीं नाम ही नहीं दिख रहा है कि हम खड़े कहाँ हैं। ये जगह है चोरल, और मुझे नाम कहाँ से मिला, पीछे अंग्रेजी शराब दुकान है, वहाँ उसके नीचे पड़ा मैंने। मतलब नज़रें देख रहे हो, नज़रें कहाँ से नाम पढ़ के कहाँ बता रही हैं भैया। जो व्यक्ति को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, उसको वो चीज़ दिखी जाती है, जैसे कि इस जगह का नाम,